अगली खबर में बात करते हैं अयोध्या की, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आज पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में अयोध्या में कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर के तहसील तिकोनिया पार्क पर धरना प्रदर्शन किया। कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को रखा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव अशोक कुमार तिवारी ने बताया कि आज कम्युनिस्ट पार्टी पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रही है और सरकार को चेताने का काम कर रही है, क्योंकि पूरे प्रदेश में अव्यवस्था फैली हुई है। आज सरकार सारे विभागों का निजीकरण करने में लगी है। सरकार महंगाई पर अंकुश नहीं लगा पा रही है, तमाम मिलों को बेचा जा रहा है। अयोध्या में अस्पतालों की व्यवस्था खराब है। अस्पताल में सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड की मशीन काम नहीं कर रही है। इन्हीं सब मांगों को लेकर हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। खेत मजदूर संघ के प्रांतीय मंत्री शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि हम सभी प्रदर्शन नेतृत्व के आह्वान पर आज यहाँ इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज देश में चारों तरफ अराजकता का माहौल है, महंगाई से आम आदमी परेशान हो गया है। हमारी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द हमारी सभी समस्याओं का निराकरण किया जाए, अन्यथा हमारा धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। हम प्रदेश के आह्वान पर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश के आह्वान पर हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, निजीकरण, इन्हीं तमाम समस्याओं को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले यहाँ धरना दिया जा रहा है, जिसका समर्थन लोकल समस्याओं को भी मद्देनज़र रखते हुए उत्तर प्रदेश खेत मजदूर संगठन पार्टी को समर्थन कर रहा है। और संगठन आज जिलाधिकारी महोदय को कई सूत्रीय मांग सौंपेगा। उसमें जैसे है, आज तक पूरा ब्लॉक के अंतर्गत भदौली गांव आता है, चकबंदी नहीं हुआ है, नंबर एक। नंबर दो, सोहावल में एक चंद्रभान वर्मा जी हैं, तालाब को जो पाट कर उन्होंने एक दुकान बना रखा है और उसके बाद ग्रामीणों को परेशान भी करते हैं। हमने कई बार जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई, वो भी ज्ञापन आज गंभीरता से दिया जाएगा। और नेमातीपुरा में एक अल्पसंख्यक महिला के यहाँ चोरी हो जाता है, कोतवाली देवकाली अपने उसमें बैठकर कार्यालय में फर्जी रिपोर्ट बना देते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। वो महिला 4 महीने से भटक रही, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। इन्हीं तमाम समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश खेत मजदूर संगठन आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को समर्थन कर रहा है और जो प्रदेश का काल है उसका भी हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं। शैलेंद्र प्रताप सिंह, खेत मजदूर संगठन, प्रांतीय महामंत्री। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन आयोजित कर रही है। मुख्य मांगें हमारी, जो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, उस महंगाई पर अंकुश लगाया जाए। दूसरे, आज तमाम सरकारी जो क्षेत्र हैं उनका निजीकरण हो रहा है, तमाम मिलें बेच दी जा रही हैं, तमाम जैसे रेलवे बेच दिया जा रहा है, हवाई अड्डे तमाम बेचे जा रहे हैं। इन सब स्थितियों से लगातार एक जो सुरक्षित रोज़गार था हमारे युवाओं के लिए वो नष्ट हो रहा है। और सभी विभागों में, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे तहसील हो, चाहे कलेक्ट्रेट हो या और तमाम जो सरकारी विभाग हैं, वहाँ जो भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है, कोई भी काम बगैर पैसा दिए नहीं हो पा रहा है, इन सब के विरोध में भी ये धरना हमारा है। और ये जो किसानों की समस्याएं हैं, आवारा पशु किसानों की फसलें नुकसान कर रहे हैं, उससे तमाम लोग, गांव के लोग घायल हो रहे हैं, सड़कों पे तमाम लोगों की मौतें हो रही हैं, उससे भी रोकने के लिए सरकार से आग्रह किया जा रहा है। और स्वास्थ्य सेवाएं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र या नगरीय क्षेत्र कोई भी हो, जनता के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। स्वास्थ्य सेवाएँ बद से बदतर हो रही हैं, मजबूरन लोगों को प्राइवेट जो अस्पताल हैं उनकी शरण लेनी पड़ रही है। और प्राइवेट अस्पतालों में जिस कदर लूट है ये सभी लोग जानते हैं। तो हमारी मांग है कि सरकारी जो अस्पताल हैं वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर की जाएं, डॉक्टरों की भर्ती की जाएं, जो जांच की मशीनें लगाई गई हैं उन्हें दुरुस्त किया जाए और उनको चलाने वाले लोगों की भर्ती की जाए। जैसे जिला अस्पताल में ये अल्ट्रासाउंड को मशीन लगी हुई है, लेकिन वहाँ जो पहले टेक्नीसियन था रिटायर हो गया, अब वहाँ कोई नई भर्ती नहीं हुई है, लिहाजा वहाँ अल्ट्रासाउंड का काम पूरी तरह बंद है। सिटी स्कैन की मशीन लगी हुई थी, लेकिन सिटी स्कैन मशीन 2 महीने में ही ख़राब हो गई। वो दूसरी, न तो दूसरी मशीन अभी तक आई, न ही उसकी मरम्मत हो पा रही है।
तो इन सब मांगों के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आज पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन आयोजित कर रही है। अशोक कुमार तिवारी, जिला सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अयोध्या। भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, महंगाई पर रोक लगाओ, महंगाई पर रोक लगाओ, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। बेहतर करो, बेहतर करो, बेहतर करो, आप सुविधाओं को बेहतर करो, बेहतर।